डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के समर्थकों ने पूर्णिया में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी घटी हैं, फिर भी सरकार गरीबों का शोषण करने में लगी हुई है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का कीमत आग छूने लगा है, और हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा कहा है कि जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत बहुत कम है और हिंदुस्तान में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसान छात्र सारे लोग आज परेशान हैं। आंदोलन ये है कि डीजल पेट्रोल का एक साल में कई बार बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा। हम लोग NSCI के बैनर तले बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं, डीजल पेट्रोल का हर 3-4 महीना पर रेट बढ़ जाता है। जब UPA की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अधिक तेल, कच्चा तेल होने के बावजूद ही भारत में सहूलियत दिया जाता था। यहाँ अब और सस्ता है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल, तो यहाँ और महंगाई करके सरकार अपना निकम्मापन छुपा के यही पैसे को दूसरे तरफ लगा रही है सरकार, जो कि डीजल के रेट बढ़ने से गरीब का यातायात, सिंचाई पे महंगाई बढ़ेगा और सब आम जनता परेशान होगा। महंगाई बढ़ेगा तो गरीब को ज़्यादा कष्ट होगा और परेशान है ही।